Assalamu alaikum, my dear students, my dear viewers. How are you all? Welcome to my YouTube channel, Chemistry with Mubashir Sir. And today we are going to discuss an important concept related to thermodynamics and thermochemistry, that is enthalpy. This lecture is for class 11. I hope you will enjoy this lecture, as this lecture will be very informative for JEE, NEET and IIT students. Okay, dear students, now we will proceed towards our lecture. आज का जो टॉपिक है दैट इज एंथैल्पी. ठीक है, एंथैल्पी का आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो कि क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एंथैल्पी जो होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच से, इस एंथैल्पी का मतलब क्या है. तो सबसे पहले जो हम एंथैल्पी थर्मो केमिस्ट्री में है, जो थर्मोडायनेमिक्स में, एक्चुअली थर्मोकेमिस्ट्री जो है it's a part of thermodynamics. Thermo means heat and chemistry means subject that deals with reactions here. So can we say thermochemistry jo hai, isme hum kya karte hain, jab bhi koi reaction hoti hai, ya to us reaction mein heat evolve hoti hai, ya to us reaction mein heat supply ya consume hoti hai. Bas is reaction ka hame dekhna hai, supply ho raha hai ya reaction kya ho rahi, evolve ho rahi hai, ye jo len den ho raha hai heat ka reactions mein, that deals with thermochemistry, deals with it. तो एंथैल्पी जो होती है, इट इज सिंपली डिफाइंड एज हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. बुक्स में भी आप इस डेफिनेशन को देखोगे कि हीट कंटेंट किसी भी सिस्टम का, किसी भी सिस्टम में कितनी हीट होती है, हाउ मच हीट इट कंटेंट्स, हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम कब, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. जब आप किसी सिस्टम को रीड कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, लेकिन आपने प्रेशर को क्या रखा है, कॉन्स्टेंट रखा है, यानी हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. इसको हम फर्दर जानेंगे एक इक्वेशन के थ्रू. ये जो एंथैल्पी जो होती है, यानी जो हीट कंटेंट होता है किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर पे, इसको ज्यादा बेहतर रहता है एक्सप्लेन करना जब हम इक्वेशन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. तो पहले हम बता चुके हैं ये जो एंथैल्पी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से. तो एच इज इक्वल टू, ओके, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी. This is the mathematical formulation, or we can say this is the equation which clearly defines this enthalpy. अब इसको जानने की कोशिश करेंगे, this H is equal to U plus PV, इसका मकसद क्या है, इसका माने क्या है. तो as we know that H is enthalpy, heat content, ये किसके बराबर होता है, U plus PV. What does U mean? बुक्स में कभी कभार E भी लिखा है, so confused होने की जरूरत नहीं है. U और E, it means internal energy. इंटरनल एनर्जी, जिस पे हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं. ठीक है, और पी क्या है, यहाँ पे पी इज एक्सटर्नल प्रेशर, यानी जो भी सिस्टम होगा एक्सटर्नल प्रेशर, एंड वी इज हियर वॉल्यूम. अब हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इस इक्वेशन से कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एंथैल्पी को. ठीक है, तो यू एज यू नो दैट यू जो है, और ई समटाइम्स इट इज रिटन बुक्स, इट मींस इंटरनल एनर्जी. इसका मतलब क्या है, मानो हमारे पास कोई सिस्टम है, यानी हमारे पास कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कोई भी मैटर है. ठीक है, मानो इसमें कोई गैस है, ज्यादातर हम गैस की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, गैस के मॉलिक्यूल्स है, ऊपर से पिस्टन एक लगा है, इसी को तो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं. हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन लगा है फ्रिक्शनलेस, और उसमें कोई भी आपने मैटर भरा, चाहे सॉलिड लिक्विड और गैस. यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं गैस की. अब देखो क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी किसको बोलेंगे, इस सिस्टम में जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स, मानो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होगी, इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंट्रैक्शन होगी. ठीक है, और वी कैन से ये गैस मॉलिक्यूल्स रेंडमली मूव करेंगे इस सिस्टम में, तो इनकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, या इन गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी, उनकी वजह से इनमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये सम ऑफ एनर्जीज जो होती है, इस सिस्टम में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस सिस्टम में जो भी मैटर है, उसमें जो एनर्जी होती है, वेदर काइनेटिक एनर्जी, वेदर पोटेंशियल एनर्जी, या ये जो मॉलिक्यूल जो है, ये बने होते हैं एटम्स के, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं,
है, या वी कैन से जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है, या वी कैन से ये जो रैंडमली ओरिएंट डायरेक्ट हो जाती है डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में ये मूव करते हैं, तो इसकी वजह से इनमें जो एनर्जीज आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, तो सम ऑफ द एनर्जी, सम ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो होता है ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, या जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, या जब ये इंट्रैक्ट आपस में इंट्रैक्शन करते हैं तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका सम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। अब ये पी वी क्या है, पी वी क्या है, देखो मानो मेरे पास पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, ये एम्प्टी स्पेस थी, लेकिन फिर मैंने क्या किया, एक सिस्टम को एस्टैब्लिश किया, एक सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जिसका प्रेशर पी है और वॉल्यूम वी है। ठीक है, यानी मेरे पास पहले कुछ नहीं था, मुझे काम करना पड़ा, मुझे वर्क करनी पड़ी, ताकि मुझे एक सिस्टम को एस्टैब्लिश करना पड़ा जिस सिस्टम का प्रेशर वी है और वॉल्यूम, जिस सिस्टम का प्रेशर पी है और वॉल्यूम वी है, यानी मुझे कितना काम करना पड़ रहा है, मुझे कितनी एनर्जी लगी इस सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की, दैट इज पी। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, वायर H इज इंथैल्पी और इज हीट कंटेंट, U इज इंटरनल एनर्जी, ठीक है, द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड विद इन द सिस्टम, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, द एनर्जी दैट कंटेन्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम, एंड व्हाट इज पी वी, पी वी वी कैन से इट इज द वर्क और इट इज द एनर्जी दैट इज यूज टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, पहले कुछ नहीं था, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग लाने के लिए जो मैं वर्क कर रहा हूँ, या जो एनर्जी लग रही है एक सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की, जिस सिस्टम का प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, तो वो जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी है, वो जो वर्क है, दैट इज पी वी। तो कैन वी से जो इंथैल्पी है इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी दो तरह की एनर्जी का सम है, इंटरनल एनर्जी पी एंड वी, वायर पी इज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड वी इज द वॉल्यूम। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये जो इंथैल्पी है, एक प्रॉब्लम है इस इंथैल्पी के साथ, ये जो इंथैल्पी है इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इसकी कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में इसकी कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका रीजन ये है कि हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू, वी कैन नॉट कैलकुलेट इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। कैसे आप कर सकते हो, अगर आपके पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या है कि मॉलिक्यूल्स है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन है, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये मॉलिक्यूल्स किस तरह से आपस में इंट्रैक्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट इट्स एग्जैक्ट वैल्यू। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, मानो कोई स्टूडेंट है, हम कहते हैं कि स्टूडेंट एक्सलेंट है, ये स्टूडेंट ब्रिलियंट है, क्या आप उसकी ब्रिलियंस एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, नहीं। हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी इंटेलिजेंस को कंपेयर कर सकते हैं, हाँ ये स्टूडेंट जो है इसने इस स्टूडेंट से इतने मार्क्स ज्यादा लाए हैं, या इस स्टूडेंट ने ये इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, या इस स्टूडेंट ने ये बात इस स्टूडेंट से थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन की है, इन्हें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम किसी की ब्रिलियंस या एक्सीलेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी है, ये जो इंथैल्पी है, जो हीट कंटेंट होता है, मतलब किसी भी सिस्टम में कितनी हीट, सिस्टम कितना हीट कंटेन कर रहा है, या उसमें इंटरनल एनर्जी कितनी है, या वी कैन से कि जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, उनके बीच में इंट्रैक्शन किस तरह का है, वी कैन नॉट कैलकुलेट एक्यूरेटली, दैट इज व्हाई कि इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी जो इंथैल्पी है, एच जो है, इसका हम एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। फॉर्चुनेटली हमारी हमारे लिए किस्मत की बात भी है कि इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, यानी एच को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा जरूरी क्या होता है, दैट इज चेंज इन इंथैल्पी, change in enthalpy that is represented by delta h, यानी हमें h, हम h को accurately calculate नहीं कर सकते हैं, लेकिन change in enthalpy जो है, that is, जो हम enthalpy change भी कह सकते हैं, इसको हम calculate कर सकते हैं। previous lecture में हम बता चुके हैं internal energy के ऊपर या entropy के ऊपर, कि जो entropy होती है, जो internal energy होती है, उनको हम accurately measure नहीं कर सकते हैं, लेकिन we can calculate change in entropy और change in internal energy। similarly हम H को and enthalpy को accurately measure नहीं कर सकते हैं, अगर हमें मेजर करना होगा तो we can calculate change in enthalpy that is represented by delta H, okay?
एक और चीज, ये जो इंथैल्पी होती है इसका यूनिट, इसका यूनिट क्योंकि हीट है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका यूनिट जो होता है दैट इज जूल, दैट इज जूल. और फॉर मेकिंग थिंग्स मोर सिंपल, हम क्या करते हैं जो आजकल की ट्रेंड है उसमें हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल. हम मेजर करते हैं किसमें, किलो जूल पर मोल में. यानी कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो रिएक्शन में अगर एक मोल आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो उसमें कितनी एनर्जी इवॉल्व हो रही है या कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो है व्हेन इट कंबाइन्स विद हाइड्रोजन गैस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया गैस. रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे, यहां से 2 times लेंगे और यहां से हम 3 times लेंगे, कैन वी से कि 1 mole नाइट्रोजन का 3 mole हाइड्रोजन के मिल रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट में कितने अमोनिया के मोल्स मिल रहे हैं, 2 moles मिल रहे हैं. और यहाँ पे जो हीट देखी गई है दैट इज कितनी इवॉल्व हो गई है, दैट इज -214 किलो जूल पर मोल. यानी 2 mole अमोनिया के बनने से कितनी हीट यहाँ से इवॉल्व हो रही है, दैट इज माइनस. माइनस मीनस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. हमेशा याद रखना है कि माइनस का साइन मीनस हीट इवॉल्व हो रही है, प्लस का साइन मीनस हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट एब्जॉर्ब हो रही है. तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. और 2 mole अमोनिया के बनने से कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, 214 किलो जूल, ठीक है. तो आई थिंक यहां तक आपको बात समझ आई होगी कि इंथैल्पी क्या होती है, इंथैल्पी को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट इज यू, व्हाट इज पीवी, और इसकी कोई फिजिकल, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है. क्यों? क्योंकि इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते. हाँ, हम मेजर कर सकते हैं चेंज इन इंथैल्पी, और इसका हमने यूनिट देख लिया. नाउ वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड. ओके, तो हम डिस्कस कर चुके हैं that this H is equal to U plus PV. और इस H का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि हम इसका एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं. अगर हमें मेजर करना होगा, we can calculate change in enthalpy, that is delta H. अगर आप कोई चेंज ला रहे हो किसी सिस्टम में, and that means we are saying that is delta H. Delta H will be equal to, तो एंट्रोपी का भी चेंज आएगा, from initial state to final state, we will write delta U plus. PV को हम कैसे लिखेंगे? मानो हमारे पास कोई सिस्टम था जो इनिशियल स्टेट में था, जिसका प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था. अब इस सिस्टम में कोई चेंज आ गई है, तो ये सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया, तो इसका प्रेशर क्या होगा? P2, वॉल्यूम V2, ठीक है. तो कैन वी से दैट इज PV को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट PV एज डेल्टा PV. इसको ज्यादा बेहतर रहेगा अगर हम लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, वी विल राइट डेल्टा ने चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, वी विल राइट P2 V2 माइनस P1 V1. को बात समझ आ रही है? P2 मीन्स दिस इज प्रेशर, फाइनल प्रेशर, दिस इज फाइनल वॉल्यूम, माइनस P1 दैट्स इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है. और ये जो एक्सप्रेशन जो होती है ना, ये मोस्ट वी कैन से 100% करेक्ट है, और ये इक्वेशंस पे आप अप्लाई कर सकते हो. 100% करेक्ट इक्वेशन है ये. P2 V2 - P1 V1, दैट्स डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड चेंज इन एंट्रोपी प्लस P2 मींस जो भी सिस्टम आपका फाइनल स्टेट में उसका प्रेशर मल्टीप्लाइड वॉल्यूम माइनस जो भी आपका सिस्टम है इनिशियल स्टेट में उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम, ठीक है. अब ये जो इक्वेशन है इसको हम दो केसेस में लिख सकते हैं. एक होता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी जब हम किसी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रख के, और दूसरा है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. ओके, अब जब मेरा जो सिस्टम है अगर मैं उसको स्टडी कर रहा हूं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो इक्वेशन क्या बनेगी? आई विल राइट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस. वॉल्यूम क्या रखा है? कॉन्स्टेंट, तो वॉल्यूम को बाहर निकालो, वी विल राइट वी, we'll write V delta P. आपको बात समझ आ रही होगी? अगर आप वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रख रहे हो तो आप V को बाहर रखोगे, तो there will be only change in pressure. इस तरह से अगर आप प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख रहे हो तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को लिखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस. इस टाइम आप प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख रहे हो, मीन्स प्रेशर को बाहर निकालोगे, you will write P delta V. और remember, ये जो इक्वेशन जो है
ये 90% प्रोसेस पे अप्लाई होती है। 90% जो भी प्रोसेस होती है वो किस पे होती है? कांस्टेंट प्रेशर पे। जो 10% बाकी बचता है वो किस पे होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो जब भी आपको इक्वेशंस या न्यूमेरिकल्स आती है या जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें नॉर्मली और यूजुअली कांस्टेंट प्रेशर पे पूछा जाता है। और आपके लिए इक्वेशन क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा वी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होगी कि किस तरह से हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे इक्वेशन लिख सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी, और कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे हम इक्वेशन लिख सकते हैं एंथैल्पी चेंज इन एंथैल्पी के लिए। ठीक है, एक और चीज कि ये जो एंथैल्पी है इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बोल दूं। सबसे पहला कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस एंथैल्पी के ऊपर कि ये जो एंथैल्पी है इट इज अ स्टेट फंक्शन like entropy, like internal energy, it is a state function. Now, what does state function mean? इसको हम बार-बार repeat कर चुके हैं। State function का मतलब क्या होता है? State function का मतलब होता है कि इस इनमें जो change आती है, यानी जब भी कोई change system में आती है, तो ये जो change आती है, ये जो value होता है, वो depend करता है किस पे? यानी इनमें जो change आती है, वो depend करता है सिर्फ initial and फाइनल स्टेट। ठीक है, यानी ये वो फंक्शंस होती है या जब भी कोई चेंज आती है तो वो चेंज जो होती है वो खाली डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, और इसको ये डिपेंड ही नहीं करता है पाथ पे। ठीक है, यानी द फंक्शंस व्हिच ओनली डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड दे आर इंडिपेंडेंट अपॉन द पाथ फॉलोड। ठीक है, टू अटेन दैट स्टेट, उस स्टेट को अटेन करने के लिए कौन सी पाथ आपने इख्तियार की है दैट डजंट मैटर। मानो हमारे पास यहां से प्रेशर और वॉल्यूम ले, मानो कोई सिस्टम हमारे पास है जो इनिशियल स्टेट में था। ठीक है, यानी ए, अब इसमें इस सिस्टम के आपने कोई वेरिएबल चेंज करके इसको स्टेट सेकंड में ले लिया। ठीक है, तो मानो जब ये स्टेट वन में था तो इसका कोई प्रेशर होगा, इसका कोई वॉल्यूम होगा। जब ये स्टेट सेकंड में आए चेंज हुआ तो इसका ये प्रेशर होगा और इसका वॉल्यूम यहाँ पे होगा। मानो अगर आप इस सिस्टम को किसी दूसरे पाथ से स्टेट सेकंड में ले जा रहे हो, या आपने सिस्टम को स्टेट वन से स्टेट सेकंड से ले जाने के लिए आपने कोई और पाथ यूज किया है, आप कोई भी पाथ चूज करो, यहाँ पे जो ये एंथैल्पी का वैल्यू आएगा ना, चेंज इन एंथैल्पी, ये हमेशा सेम होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने पाथ कौन सी फॉलो की। आप इस पाथ से गए हो, आप इस पाथ से गए हो, आप मकसद है कि आप स्टेट वन से स्टेट सेकंड गए हो। और ये जो एंथैल्पी है ये स्टेट फंक्शन है क्योंकि इसके वैल्यू सिर्फ डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, तो याद रखना है कि ये एक स्टेट फंक्शन है, ये जो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, और इसका कोई लेना देना नहीं होता है पाथ। दूसरी बात जो कि एक इंपॉर्टेंट है कि ये जो चेंज इन एंथैल्पी है ये किसके बराबर होता है? ये होता है h final minus h initial। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको change in enthalpy पता करना है तो ये किस पे depend करता है? enthalpy of the system when the system is in final state minus enthalpy of the system when this system is in initial state। final state में क्या है enthalpy minus initial state में क्या है enthalpy, इसको जब आप calculate करोगे you will get the change in enthalpy। ठीक है, third पॉइंट इसमें दैट इज डेल्टा एच साइक्लिक इज ऑलवेज जीरो। कोई भी सिस्टम जो क्या है साइक्लिक है, साइक्लिक मीन्स अगर आपके पास कोई सिस्टम है, सिस्टम ये क्या कर रहा है, ये सिस्टम साइक्लिक है, मीन्स जहां से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था वहां सिस्टम जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापस आ रहा है, साइक्लिक हम कह सकते हैं। शुरुआत यहां से थी तो वापस ये फिर से यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो कैन वी से कि जो यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, जीरो, क्योंकि जहां से इसने शुरुआत की थी वहीं पे खत्म, फिर से ये वापस उसी पे आ रहा है। तो वी कैन से, याद रखना है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी या कोई भी ऐसी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, ठीक है, जो साइक्लिक होती है उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है, क्योंकि जहां से उसने शुरुआत की होती है लास्ट पे उसका इख्तिताम भी उसी पॉइंट पे हो जाता है। तो इन सच केस वी कैन से कि जो डेल्टा एच साइक्लिक चेंज इन एंथैल्पी जो साइक्लिक प्रोसेस के लिए होती है वो हमेशा जीरो होती है। ठीक है, आई होप कि इन चीजों को आप याद रख रहे हो। और एक और चीज, ये जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी ये हमेशा क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी इज ऑलवेज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
आई होप कि आप मेरे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख रहे हो, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज जिनके वैल्यूज डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। मैटर कितना है, अमाउंट कितना है, ठीक है? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। मानो आपके पास कोई सिस्टम है, उसमें मैटर ज्यादा है, तो अगर उसमें मैटर ज्यादा है, उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उनके बीच में इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उनकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, तो वी कैन से उनकी एंथैल्पी ज्यादा होगी। अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें आपने कम मैटर रखा है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, उसमें जो हीट कंटेंट होगा वो भी क्या होगा, वो कम होगा। तो आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी, एंथैल्पी जो है इट्स ऑलवेज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी ये किस पे डिपेंड करता है कि आपने अमाउंट कितना लिया है। कम अमाउंट लोगे तो उसकी एंथैल्पी कम होगी, ज्यादा अमाउंट लोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी, उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर ज्यादा होगा। नटशेल में हम कह सकते हैं उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, ठीक है? तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होगी कि स्टेट फंक्शन है, ठीक है? और क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? और ये जो चेंज इन एंथैल्पी होती है, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इन फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम एट इनिशियल स्टेट। और इन चेंज इन एंथैल्पी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो होती है, ठीक है? और एंथैल्पी हमेशा क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से बिफोर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, ठीक है, हम स्टार्टिंग में आपको बोल चुके थे कि एंथैल्पी जो है हमने डिफाइन किया था हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हीट कंटेंट किसी भी सिस्टम में हीट कंटेंट कितना है, कब, कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो हम अभी लिख चुके हैं दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, अभी हम कुछ टाइम पहले लिख चुके थे कि डेल्टा एच जो हमारा है दिस चेंज इन एंथैल्पी दैट इज डेल्टा यू प्लस वी कैन से डेल्टा पीवी, ठीक है? अब अगर हम बात कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अगर हमने सिस्टम को किस पे रखा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि अमूमन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑलमोस्ट 90% जो भी प्रोसेस होती है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होती है। तो हमारी जो इक्वेशन है ये किसके बराबर आएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, आपने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा है मतलब प्रेशर को बाहर निकालोगे, पी डेल्टा वी, ओके? तो मैं जी चेंज इन एंथैल्पी जो वो किसके बराबर है, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी प्लस प्रेशर आपने कॉन्स्टेंट रखा है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है? अब हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा है उससे थोड़ा सा रिलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जो हमने फाइनल बोला था चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू हीट सप्लाइड आपने, यानी अगर आपको देखना है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया है किसी भी सिस्टम का, तो वो डिपेंड करता है, यानी हम इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का बढ़ा सकते हैं दो तरीके से, वी कैन इंक्रीज और वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बाय टू वेज। फर्स्ट बाय सप्लाइंग हीट टू द सिस्टम, आप सिस्टम को हीट दोगे तो हीट सप्लाई करने से क्या होगी कि उसकी एनर्जी, क्योंकि जो आप हीट दे रहे हो उससे वो हीट स्टोर होगी उस सिस्टम में और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। दूसरा डेल्टा डब्ल्यू, व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का, किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के दो फॉर्म्स होते हैं, दो तरीके होते हैं, एक जब आप सिस्टम को हीट सप्लाई करोगे, दूसरा जब आप सिस्टम पे काम करोगे, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो जो आप काम कर रहे हो वो वर्क जो है वो उसका वो स्टोर हो जाती है उस सिस्टम में और उस वर्क के करने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कंक्लूजन यही है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू यानी हीट सप्लाई टू द सिस्टम प्लस डेल्टा डब्ल्यू दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हम बात करेंगे फिर से एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की, यानी हम यहां से क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे स्टडी कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। Can we write then delta U is equal to delta QP, P means at constant pressure, mind. हमें पता है कि work done जो होता है वो किसके बराबर होता है, work done बराबर होता है P external delta V,
हम पढ़ा चुके हैं आपको कि वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो नाउ अब हम सिंपली काम क्या करने वाले, हम इस क्यू पी को यहाँ पे ले जाएंगे। कैन वी राइट डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू, ठीक है, या इसको यहीं पे रखो, इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस टर्म यहाँ पे ले जाओ, यू विल गेट प्लस पी डेल्टा वी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम रखो, इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम रखो। क्या आपको, अगर आप इन इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? आप देखो डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्या इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट विल यू गेट? कैन वी से डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी, क्योंकि डेल्टा एच किसके बराबर है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा क्यू किसके बराबर है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, व्हाट इज डेल्टा क्यू, इट इज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये तो मेरा जस्टिफिकेशन था, हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये है कि जो एंथैल्पी जो होती है, इट इज एक्चुअली व्हाट इज क्यू, हीट, दैट इज हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, कब, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो कैन वी से कि चेंज इन एंथैल्पी जो है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द हीट इवॉल्वड और एब्जॉर्बड बाय द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्वेश्चन है, क्या हम कह सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी हमेशा हीट कंटेंट के बराबर होगी? क्या चेंज इन एंथैल्पी हमेशा हीट कंटेंट के बराबर होगी? नहीं, सिर्फ एक कंडीशन है, जब चेंज इन एंथैल्पी इस किताब हीट सप्लाई कर रहे हैं, कितना हीट कंटेंट है उसके बराबर तभी आएगा जब प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंथैल्पी की इक्वेशन से रिलेट किया, तो हमें यहां से ये डेफिनेशन मिल गई कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी, मीन्स डेल्टा क्यू, क्यू क्या है, हीट, हीट कंटेंट किसी भी सिस्टम का कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, वो किसके बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी के बराबर होता है। उसी को तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट इज नोन एज एंथैल्पी। बुक्स में तो ये लिखा होता है एंथैल्पी और हीट कंटेंट, यानी किसी भी सिस्टम में कितना हीट, हाउ मच हीट इट कंटेंट्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वी रेफर इट एज एंथैल्पी। तो मैथमेटिकली हमने ये कंफर्म कर दिया है, That is change in enthalpy. Change in enthalpy किसी भी सिस्टम का किसके बराबर होता है, हीट इवॉल्वड, हीट कितनी इवॉल्व हो गई है, और हीट एब्जॉर्बड, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो गई है बाय द सिस्टम, सिस्टम के थ्रू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो चेंज इन एंथैल्पी जो होती है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आई होप कि एंथैल्पी पे जो हमने ये छोटा सा लेक्चर बनाया था आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इस लेक्चर को आप लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी जल्दी थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, दैट विल बी ऑन हेसेस लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हेसेस लॉ पे बात होगी, सी यू देन, बाय, खुदा हाफिज़।